everyone, welcome back once again. Although I'm a big fan of cleaning, but I was avoiding my fridge cleaning since long. पर आज मैंने डिसाइड किया कि रूटीन के काम करने के बाद ये ही मेरा मेन डेडिकेटेड वर्क है. नॉर्थ इंडिया में इस वक्त गर्मी इतनी ज़्यादा चल रही है कि कोई भी इस तरह का हैवी क्लीनिंग वर्क शुरू करने से पहले हमारा मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मोस्टली इस तरह के काम करने के लिए मैं सुबह का वक्त ही डिसाइड करती हूँ, क्योंकि सुबह की गर्मी थोड़ी सी सहन करने लायक होती है, पर दोपहर में आप इस तरह के काम बिल्कुल नहीं कर सकते. गर्मियों में अगर फ्रिज अच्छी तरह से साफ़ है तो बहुत अच्छी तरह से काम करता है, चीज़ें ठंडी भी होती हैं, आपकी बर्फ़ भी अच्छी तरह से बनती है. वहीं अगर फ्रिज अच्छी तरह से साफ़ नहीं है तो कंप्रेशर पर भी बहुत ज़्यादा बर्डन आता है और फ्रिज अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाता है. आज मुझे फ्रिज को डीप क्लीन करना था तो सबसे पहले मैंने इसका नीचे वाला सेक्शन खाली किया है. फ्रिज को अभी मैंने ऑन ही रखा है क्योंकि मैं पहले इसकी सारी अटैचमेंट्स क्लीन करती हूँ. उस दौरान फ्रीज़र में रखी सभी चीज़ें सेफ बनी रहती हैं और ख़राब नहीं होती हैं. बीच बीच में घर के बाकी काम भी चलते रहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उनको उसी वक्त करना ज़रूरी होता है. सबसे पहले मैं किचन में लाकर जितनी भी अटैचमेंट पॉसिबल हैं यहाँ पर क्लीन करना, उनको क्लीन कर लेती हूँ. क्लीन करने के लिए मैं वाटर, विनेगर और थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड यूज़ करती हूँ, और बजाय कि कोई स्क्रबर यूज़ करने के मैं कोई एक हैवी सा हैंकी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो ग्लास वगैरह है ताकि इसके ऊपर कोई भी स्क्रैच वगैरह ना आए और आपके फ्रिज की जो शाइन है वो लास्ट लॉन्ग रहती है. सारे ही अटैचमेंट्स को धोने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इनको धूप लगवाने के लिए रख देती हूँ, ताकि क्लीनिंग के दौरान अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह रह भी जाता है तो धूप में वो बड़ी अच्छी तरह से चीज़ें स्टरलाइज हो जाती हैं. फ्रिज को अंदर से क्लीन करने से पहले मैं मेन स्विच को ऑफ कर देती हूँ और प्लग को निकाल देती हूँ. जिस सॉल्यूशन से मैंने अटैचमेंट्स क्लीन की थी, सेम सॉल्यूशन मैं यूज़ करती हूँ अंदर से भी फ्रिज को क्लीन करने के लिए. ये इनफ रहता है कोई भी गंदगी मिटाने के लिए. और उसके बाद एक साफ़ कपड़ा लेकर पानी में उसको मल्टीपल टाइम डिप करके मैं पूरा ही फ्रिज अंदर से क्लीन कर लेती हूँ. फ्रिज को साफ़ करने के लिए हम मोस्टली यही सब तरीके यूज़ करते हैं, बट हर एक घर में एक सफाई करने का तरीका अलग हो सकता है. यहाँ पर मैं आपके साथ जो मेरा मेथड मैं अप्लाई करती हूँ वो शेयर कर रही हूँ. इसके बाद बारी थी फ्रीज़र की. फ्रीज़र में से जितनी भी स्प्रेडेड चीज़ें हैं वो सब मैंने निकाल दी हैं, चॉकलेट्स हैं, बर्फ़ वगैरह है. फ्रीज़र में हालांकि कोई ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, तो यहाँ पर मैं एक अच्छा सा साफ़ कपड़ा लेकर मल्टीपल टाइम इस एरिया को क्लीन कर देती हूँ. और यहाँ की शेल्फ़ को हटाने की कोशिश मैं बार बार कर चुकी हूँ, बट मैं कभी रिमूव नहीं कर पाई हूँ, तो मैं साथ ही में इस अटैचमेंट को भी साफ कर देती हूँ. साल में एक बार मैं गैसकेट को निकाल कर भी साफ करती हूँ, क्योंकि इसमें गंदगी की वजह से फंगस क्रिएट हो जाती है. इसे अच्छे से क्लीन करके मैं दोबारा लगा देती हूँ. अगर आप इसमें परफेक्ट नहीं है तो आप कंपनी की क्लीनिंग सर्विस की भी हेल्प ले सकते हैं. गैसकेट ख़राब हो जाए तो आप 2000 रुपये तक की कीमत की नया गैसकेट भी लगवा सकते हैं, पर मुझे ये अच्छे से करना आता है तो मैं इसको आराम से इंस्टॉल और रिमूव भी कर लेती हूँ.
फ्रिज को अंदर से क्लीन करने के बाद एक बार मैं इसको अपनी जगह से हटाकर क्लीन कर रही हूँ। आप कितनी भी अच्छी सफाई करने की कोशिश करें बट चीज़ों के नीचे गंदगी रह जाती है। वैक्यूम क्लीनर की मदद से सारी गंदगी हटाकर मैंने एक गीले कपड़े से भी सफाई कर दी है, जिससे अच्छी तरह से सफाई हो जाए, क्योंकि मुझे इसी वक्त फ्रिज को दोबारा उसकी पोजीशन पर भी लगाना है। अंदर से साफ करने के साथ साथ फ्रिज को बाहर से भी साफ करना ज़रूरी होता है। हालांकि ये प्रैक्टिस हम वीक में एक बार करते ही रहते हैं, क्योंकि खाने पीने के हाथ या कोई भी छींटे फ्रिज पर लग जाते हैं। ज़्यादा देर फ्रिज को बंद ना रखते हुए अब मैं फ्रिज को ऑन कर लेती हूँ और इसकी सारी ही अटैचमेंट मैंने वापस से लगा दी हैं, और कोई भी चीज़ को बिना तोड़े बिना नुकसान पहुँचाए अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना अपने आप में एक अचीवमेंट के जैसा होता है। ये सब क्लीनिंग मैं नई वेजिटेबल और फ्रूट्स की शॉपिंग करने से पहले ही कर लेती हूँ। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, यहाँ पर मैंने अपने फ्रूट और वेजिटेबल की शॉपिंग कर ली है। अब इनको मुझे क्लीन करके अच्छी तरह से फ्रिज में ऑर्गेनाइज करना होता है। अब बारी थी इन सबको वॉश करने की, और वॉश करने के लिए मैं उस मेस का यूज़ करती हूँ जिसमें हमारी वेजिटेबल आती हैं। बड़े अच्छे से ये वेजिटेबल के सरफेस को क्लीन कर देती है। टोमेटोज़ को क्लीन करने के लिए मैं बड़ा सा बाउल यूज़ करती हूँ। इसमें इनको वाटर में डिप करके रख देती हूँ, इससे पानी भी कम खर्च होता है और टमाटर अच्छी तरह से साफ भी हो जाते हैं। और सब्जियों को भी धोने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं फैला देती हूँ जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो, ताकि इनका निकल जाए और मैं अच्छी तरह से फिर इनको स्टोर कर पाऊँ। कुछ वेजिटेबल्स को मैं पेपर बैग में रखती हूँ और कुछ वेजिटेबल्स को मैं टिश्यू पेपर लगा के इस तरह से बॉक्स में रखना प्रेफर करती हूँ। टिश्यू पेपर लगाने से जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है या कुछ भी नमी क्रिएट होती है फ्रूट्स या वेजिटेबल में, तो वो पेपर सोक कर लेता है और इससे आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट लंबे टाइम तक फ्रेश बने रहते हैं और ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसी तरह ग्रीन चिलीज को भी मैं उनके ऊपर की नोक हटाकर इस तरह से रैप करके रख देती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया, सारे ग्रीन वेजिटेबल्स को मैं बिना वॉश किए ही इस तरह से रख देती हूँ। जैसे ही यूज़ करती हूँ तुरंत वॉश कर लेती हूँ। तो जो सब्जियाँ सूखकर जल्दी ख़राब हो जाती हैं उनको मैं इस तरह के कंपार्टमेंट में रखती हूँ। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे आपकी इस तरह की सब्जियाँ काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहती हैं। वेजिटेबल बास्केट्स में रखने के लिए मैं इस तरह के पेपर बैग का यूज़ करती हूँ। आप इसको अपने रिक्वायर्ड शेप में फोल्ड करके रख सकते हैं, जिस भी साइज़ की आपकी वेजिटेबल बास्केट है। अब बारी है फ्रिज में अच्छी तरह से चीज़ों को लगाने की। मोस्टली मेरे फ्रिज में ज़्यादातर स्पेस दूध और मलाई ही ले लेते हैं। उसके बाद जो स्पेस बचता है मैं अपनी सारी ही वेजिटेबल प्लेस कर देती हूँ। और नीचे ये देखिए, पेपर बैग में मैंने टमाटोज रख दिए हैं और एक पेपर बैग में मेरे जितने भी फ्रूट्स हैं वो स्टोर कर देती हूँ।
बाकी की कुछ बची हुई वेजिटेबल्स मैं जिपलॉक बैग में डालकर भी रख देती हूँ। ऑलमोस्ट मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइज हो गया है। जो जो चीज़ें मुझे रखनी थी, जो चीज़ें निकालनी थी, वो सब मैंने सेट कर लिया है। अब तकरीबन एक महीने के लिए मैं फ्रिज की तरफ से निश्चिंत हो गई हूँ। और अब बारी है थोड़ा बहुत मील प्लानिंग करने की, जो मैं प्रिपेयर करके रखती हूँ। मैं सारे ही लेमन्स को कट करके उनका जूस निकाल के उनको फ्रीज करना पसंद करती हूँ। जब भी डिटॉक्स वाटर वगैरह मुझे बनाना होता है या लेमन ड्रिंक बनाना होता है, तो मैं एक आइस क्यूब यूज़ कर लेती हूँ। सेम इसी तरह मैं वाइट चने या तो ब्लैक चने बॉयल करके भी रख देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में इस तरह की सब्ज़ी अक्सर बनती रहती है, तो जब भी ज़रूरत हो तुरंत निकाला और तुरंत आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। और साथ ही मैं यहाँ पर आज मैं थोड़ा सा मसाला प्रिपेयर करके फ्रिज करके रख रही हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ कि ताज़ा प्रिपेयर किया गया मसाला ही बेस्ट रहता है, बट क्योंकि मैं सिंगल हैंडेडली घर के सारे ही काम मैनेज करती हूँ, और अगर किसी दिन मेरी तबीयत ख़राब है या मुझे कोई और अर्जेंट काम है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि तुरंत ही बच्चों के लिए ताज़ा खाना बना पाऊँ। तो बाहर का खाना देने से अच्छा है कि आप घर पर ही इस तरह से मील प्लानिंग करके रखें। इस मसाले में मैं खाली प्याज, टमाटर और हरी मिर्च ही भून कर रखती हूँ। हल्दी, नमक या कोई भी और मसाले नहीं डालती हूँ। जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है सब्जी की, उस तरह से फिर बाद में मसाले ऐड किए जा सकते हैं। मसाला ठंडा होने के बाद इस तरह से सिलिकॉन की ट्रे में मैं इसको जमा कर रख देती हूँ, और उसके बाद इनको जिपलॉक बैग में डाल के रख देती हूँ। और इतना सारा काम करने के बाद अब बारी थी खुद को रिवॉर्ड करने की एक अच्छी सी कोल्ड कॉफ़ी के साथ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक अच्छी सी कोल्ड कॉफ़ी अपने लिए। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए अमेजिंग से वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन। Finally right, with you and I the future is bright.